Hello everyone, greetings for the day, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today I will share my understanding between extravagance and the rubric delusion enlarged. एक्स्ट्रावेगेंस एंड डिल्यूजन एंड लास्ट ये दोनों ही रूब्रिक डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूजफुल रूब्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता ही है. तो सबसे पहले आई विल शेयर माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रूब्रिक एक्स्ट्रावेगेंस. एक्स्ट्रावेगेंस हैज 32 रेमेडीज अंडर इट. इट इज अनरीजनेबल एक्सेस इन बिहेवियर इन स्पीच और स्पेंडिंग. अगर हम सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो पैसों का ज्यादा खर्चा होना ही एक्स्ट्रावेगेंस लिखा हुआ आता है, लेकिन होम्योपैथी में हम एक्स्ट्रावेगेंस को मेटाफोरिकली यूज करते हैं. जहां पर पेशेंट हमें अपने दर्द के बारे में, बिहेवियर के बारे में या किसी चीज के बारे में ज्यादा बताता है जो उसे मोर देन नॉर्मल लगती है, जो उसे अपनी लिमिट से ज्यादा लगती है, चाहे वो खर्चा है, चाहे गुस्सा है, चाहे उसकी कोई प्रॉब्लम है. अब हम देखते हैं कि क्लिनिक में कौन कौन सी वर्जन्स लेकर पेशेंट हमारे सामने आ सकते हैं. जैसे डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया है. इन सब में पेशेंट का क्या मतलब है? पेशेंट हेयर वॉन्ट टू कन्वे कि ही इज सफरिंग आउट ऑफ हिज लिमिट. जो उसकी लिमिट है उससे ज्यादा उसको पेन हो रहा है, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा उसको खारिश हो रही है, उसके बर्दाश्त से ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है, या इलाज में लगने वाला खर्चा उसकी कैपेसिटी के ऊपर चला गया है. तब वहां हम रूब्रिक एक्स्ट्रावेगेंस का यूज करते हैं. अगला रूब्रिक है डिल्यूजन एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड के पीछे लगा हुआ है ईडी विच कन्वेज अस इट इज द पास्ट टेंस विच मीन्स ऑलरेडी बिकम बिग और लार्ज. पेशेंट को फील होगा कि पहले चीजें छोटी थी, अब बड़ी हो गई हैं. अब हम कुछ क्लिनिकल वर्जन्स देखते हैं कि कहां हम इसे डेली डे टू डे प्रैक्टिस में यूज करते हैं. डॉक्टर साहब पहले सिर्फ एक दो इरप्शंस ही यहां थी, अब बढ़ गई हैं. पहले सिर के बाल इतने सफेद थे, अब बढ़ गए हैं. पहले सिर्फ इतने एरिया में ही ल्यूकोडर्मा था या व्हाइट पैच था, अब बढ़ गया है. पहले ये जख्म इतना था, अब ये इतना हो गया है. तो पेशेंट हमें ऐसे वर्जन्स क्लिनिक में देगा. आई होप नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर क्लियर टू यू, वेयर टू यूज द रूब्रिक एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेयर टू यूज रूब्रिक डिल्यूजन एंड लास्ट. थैंक यू एवरीवन.